हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर एप्लीकेशन और ऐसे जो पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन या लेटर लिखने बताऊंगा। और आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन हो, या एमटीएस हो, या डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका ऐसे या लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन रहता है। सीजीएल में आपको एप्लीकेशन और लेटर दोनों बनाना है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 में आपको एप्लीकेशन या लेटर दोनों बनाना है। लेकिन एमटीएस में जब बात करते हैं हम, तो उसमें लेटर या एप्लीकेशन में एक बनाना है। तो आज मैं आप लोगों को लेटर मीन्स एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और किस फॉर्मेट में बनाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का जो फॉर्मेट है, आज का जो पेजेस दिए जा रहे हैं एसएससी के द्वारा, वो बॉक्स टाइप का दिए जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से, उसी तरह से, उसी मेथड से मैं आज आप लोगों के सामने बॉक्स वाला लेके आया हूँ कि बॉक्स में कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक लेटर लिखा है जो कि है, देखिए, राइट ए लेटर टू दी हेड स्टेशन हेड ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहाड़गंज दिल्ली रिपोर्टिंग दैट योर ब्रदर हैज नॉट रीच्ड होम फ्रॉम स्कूल। ओके, गिव पार्टिकुलर्स ऑफ योर ब्रदर हिज ड्रेस ईटीसी एंड रिक्वेस्ट हिम हेल्प फाइंड योर ब्रदर। कहने का मतलब यह है कि आप एक लेटर लिखिए स्टेशन हेड ऑफिसर को, जो पुलिस स्टेशन है पहाड़गंज में दिल्ली, उसको रिपोर्ट करते हुए कि आपका भाई हैज नॉट रीच्ड होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आपका भाई घर नहीं पहुंचा है। गिव पर्टिकुलर्स ऑफ योर ब्रदर, अपने भाई के बारे में कुछ बताएं, जैसे कि उसका ड्रेस हो, उसका फेस हो, उसका बोलने का स्टाइल हो, कुछ थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बताएं जो कि उसे ट्रेस करने में, खोजने में आसानी हो पुलिस को। एंड रिक्वेस्ट हिम हेल्प फाइंड योर ब्रदर, और उसे अपने भाई को खोजने के लिए रिक्वेस्ट करें कि कृपया आप चलें मेरे साथ, मेरे भाई को खोजें। तो देखिए, ये बॉक्स में बना के रखा हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का जो पैटर्न एसएससी के द्वारा दिया जा रहा है वो बिल्कुल इसी बॉक्स के टाइप दिया जा रहा है। और कैसे बॉक्स में बनाना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले राइट साइड का ऊपर में लिखेंगे हम लोग अपना एड्रेस, क्योंकि अपना एड्रेस मीन्स आप कहाँ कहाँ हैं। देखिए, यहाँ जब पुलिस स्टेशन का जब भी बात होती है, तो पुलिस स्टेशन का मतलब है कि आप उस पुलिस स्टेशन में जाइएगा जिस एरिया में आप रहते हैं, मीन्स आपके अंडर में जो पुलिस स्टेशन है उसी पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पहाड़गंज का बात हो रहा है। यहाँ देखिए, पहाड़गंज न्यू दिल्ली, पहाड़गंज न्यू दिल्ली का जब बात हो रहा है तो आप पहाड़गंज न्यू दिल्ली का ही पुलिस स्टेशन में जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लेटर लिखिएगा कैसे, चाहे टॉपिक कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, लिखने का तरीका आपका एप्लीकेशन या लेटर बिल्कुल ऐसा ही होगा। राइट साइड का ऊपर से आप स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना लिखिएगा हाउस नंबर, देखिए हाउस नंबर, फिर उसके बाद गली नंबर यदि है या स्ट्रीट नंबर, फिर मुल्तानी धंधा जो आपका एड्रेस हो, फिर पहाड़गंज दिल्ली। यहाँ तक तो आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, ये राइट साइड का ऊपर में लिखना ही लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। बहुत कोई क्या करता है, यहां से स्टार्ट किया फ्रॉम से, तो यहां से लिख दिया फ्रॉम। तो फ्रॉम कहीं सही भी होता है लेकिन कहीं गलत भी आपका हो जाता है। तो फ्रॉम कोई जरूरत नहीं है देने का, फ्रॉम यदि देने का कोई जरूरत बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए जैसे मैं स्टार्ट किया हूं। आपका कहीं भी मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेगा, बिल्कुल आपका बढ़िया मार्क्स आएगा। उसके बाद डेटेड, ये देखिए डेटेड लिखना बहुत जरूरी है, बिना डेटेड लिखा हुआ आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाता है। तो डेट लिखना बिल्कुल बहुत जरूरी है, तो डेटेड लिखिए और उसका नेक्स्ट बॉक्स में आप डेट लिख दीजिए, जो मैंने आज का डेट लिख दिया है। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, यदि यही नहीं बनाने से आपका मार्क्स यहाँ पे शुरू में ही कट जाती है, बढ़िया कोई टीचर चेक करने वाला होगा, यहाँ पे ही आपका लेटर को मोस्ट मीन्स गलत समझ लेता है कि गलत है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है पहले। उसके बाद हम आते हैं टू में, देखिए टू कैसे लिखते हैं हम, देखिए टू यहाँ बीच में लिखें। अब देखिए, जब डेटेड हम जिस लाइन में लिखें उसका जस्ट एक लाइन मीन्स नेक्स्ट लाइन में टू लिखें। देखिए डेटेड या इस लाइन में है,
डेटेड यहां मींस इस लाइन में डेटेड है, कर्सर मेरा देखिए, उसके बाद हम जस्ट 2 इसके नीचे का लाइन में लिखे हैं, इसके नीचे का लाइन में जैसे 2 लिखे हैं, तो अब 2 लिख दिए, अब उस लाइन में हम कुछ भी नहीं लिखना है, अब उस सेम लाइन में क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब जब हम 2 के बाद किसको लिख रहे हैं, तो यहां बोल रहा है राइट अ लेटर टू स्टेशन हेड ऑफिसर, स्टेशन हेड सॉरी स्टेशन हाउस ऑफिसर है यहां पे, माय मिस्टेक, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, तो यहां पे हम स्टेशन हाउस ऑफिसर देंगे। यहां देखिए 2, 2 के लाइन में कुछ नहीं लिखना है, अब उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है, लेकिन 2 के नीचे नहीं लिखना है, देखिए 2 के नीचे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, 2 के नीचे हम कुछ लिखे नहीं लिखे, कब लिखे 2 के एक नीचे एक इस लाइन को एक बॉक्स को छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स में आ गए हम, ठीक ना। फिर लिखे दी स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसके बाद कहां का पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, फिर कहां का पुलिस स्टेशन है, पहाड़गंज दिल्ली, यहां बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है, कहां लिखना है टू द स्टेशन हेड ऑफिसर, देखिए क्वेश्चन को देखिए टू द स्टेशन हेड ऑफिसर पहाड़गंज दिल्ली, यही दे रहा है, तो यही पे हम लिख दिए टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहाड़गंज दिल्ली, ठीक है। अब यहां तक आपका बिल्कुल भी मार्क्स यदि इस टाइप पैटर्न में लिखते हैं तो बिल्कुल भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक ना। हाउस पहले आप अपना एड्रेस लिखिए पार्टिकुलर्स, फिर उसके टू, टू के नीचे कुछ नहीं लिखना है, टू के जस्ट नीचे वाला का एक बॉक्स छोड़ के अगला से लिखना है, उसके बाद फिर उसके बाद ये ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ यार यहाँ फिर ये दोनों में भरने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि जब भी हम लिखेंगे पूरा लाइन नहीं लिखेंगे, जस्ट 2 लाइन 3 लाइन लिख के फिर नीचे आएंगे उसको। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब 2 लिख दिए, पहले हम अपना डिटेल लिखे फिर 2 लिखे, 2 के बाद हम आएंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट जब लिख दिए, सब्जेक्ट कब होगा ये याद रखिए, 2 जहां लिखे 2 जिस बॉक्स में लिखे 2, देखिए इस बॉक्स में लिखे 2, तो 2 जब इस बॉक्स में लिखे हैं तो 2 के नीचे एकदम सामने वाला बॉक्स में एकदम सब्जेक्ट होगा, ये याद रखिएगा, दी वाला आपके बॉक्स इधर मत कीजिएगा, जब जहां 2 लिखे हैं, ये देखिए 2 लिखे यहां पे कर्सर है, 2 के जस्ट नीचे एकदम जिस बॉक्स में 2 है उसी के नीचे आपका जहां ये खत्म होगा, फिर सब्जेक्ट आपका उसी बॉक्स के नीचे वाला में होगा, जैसे यहां लिखे हम, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, अब सब्जेक्ट लिखे तो सब्जेक्ट के बाद आएंगे क्या, सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट अ लेटर स्टेशन पुलिस स्टेशन पहाड़गंज दिल्ली, तो रिपोर्टिंग डैट, रिपोर्ट करते हुए तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट किस चीज का कर रहे हैं कि मेरा भाई स्कूल से घर नहीं पहुंचा है, इसलिए हम उसका मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या लिखे हैं, रिपोर्टिंग, क्या लिखे हैं, रिपोर्टिंग द मिसिंग ऑफ सोनू माय यंगर ब्रदर, मींस अगर सपोज कि यहां तो भाई का नाम तो आपका बोला नहीं है, जस्ट आपका बोला रिपोर्टिंग योर दैट योर ब्रदर हैज नॉट रीच्ड, रिपोर्टिंग योर ब्रदर हैज नॉट रीच्ड होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर नहीं पहुंचा है, तो आपका यहां पे नाम बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए आप अपना नाम भाई का नाम दे सकते हैं माय यंगर ब्रदर, क्या बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग द मिसिंग ऑफ सोनू मींस उसका नाम माय यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, रिपोर्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन को आपको एक बॉक्स को छोड़ देना है, नंबर कब कट जाता है आपका, जब सब्जेक्ट के जस्ट बॉक्स के नीचे आप सर से आप आगे बढ़ जाते हैं, वहां नंबर आपका कट जाएगा, तो सर के लिखने के बाद एक बॉक्स आप क्लियर छोड़ दें, फिर उसका नेक्स्ट बॉक्स में लिखें आप सर, देखिए यहां नेक्स्ट बॉक्स में लिखा ना सर, सर जब नेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया हूं, इसका मीन्स कि आप अब सब्जेक्ट के नीचे वाला में लिखना है सर, कहां लिखना है, सब्जेक्ट के नीचे वाला में, अब जहां सर लिखे हैं उसके सामने वाला पूरा का पूरा बॉक्स को आपको क्या करना है, खाली छोड़ देना है, कहीं भी कुछ नहीं लिखना है, अब आएंगे जस्ट सर के नीचे वाला बॉक्स को छोड़ देना है, अब उससे नेक्स्ट वाला में हम लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए लिखना आपको है, शुरुआत आप ऐसा कर सकते हैं इट इज टू रिपोर्ट, क्योंकि आप रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में क्या करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, क्वेश्चन कोई भी हो उसके अनुसार से आपको स्टार्ट करना है, आपको ज्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, आप जस्ट नॉर्मल यूज कीजिए, अपना वोकेबुलरी यूज कीजिए, ज्यादा हार्ड यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगी, बहुत अच्छा मिलेगी यदि आप अपना लैंग्वेज को यूज करके लिखते हैं, तो एकदम सिंपल बनाइए जो कि कोई भी आपका समझ सके, एकदम अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखें, इट इज टू रिपोर्ट दैट, ये रिपोर्ट करना है, क्या करना, पुलिस स्टेशन में हम रिपोर्ट करते हैं, इसलिए इट इज टू रिपोर्ट दैट सोनू, सोनू कौन है, आपका छोटा भाई, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन ए रोल नंबर 10 ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रा
गुप्ता रोड पहाड़गंज डिड नॉट टर्न अप, मतलब नहीं पहुंचा है होम घर फ्रॉम हिज स्कूल टूडे, आज अपने स्कूल से घर वो नहीं पहुंचा है, जो कि मेरा सोनू मेरा जो भाई है वो क्लास 8 का सेक्शन ए का रोल नंबर जो 10 है वो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्रा गुप्ता रोड पहाड़गंज का एक स्टूडेंट है, यहाँ लिख दिए अ स्टूडेंट, स्टूडेंट है, डिड नॉट टर्न अप, वो नहीं पहुंचा होम घर फ्रॉम हिज स्कूल टुडे, आज अपने स्कूल से, ठीक है, ये डिटेल लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप अपनी मर्जी के अनुसार लिखिए, जो आपका दिमाग में चल रहा है वो लिखिए। उसके बाद देखिए, हिज स्कूल ब्रेक्स फॉर एट 12 PM, मतलब उसका जो स्कूल है क्या हो रहा है, हिज स्कूल ब्रेक्स फॉर एट 12:40 PM, मीन्स 12:40 में उसका स्कूल क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन नाउ इट इज 6 PM एंड वी हैव सर्च्ड ऑल पॉसिबल प्लेसेस वेयर वी कुड फाइंड हिम, मतलब अब क्या हो रहा है, 6 बज गया है और हम लोग वी हैव सर्च्ड ऑल पॉसिबल प्लेसेस, हम लोग सभी पॉसिबल प्लेस खोज चुके हैं, वेयर वी कुड फाइंड हिम, जहां हम उसे खोज सकते हैं, मिल सकता है हमें वहां, लेकिन क्या हुआ, नहीं मिला, वो कहीं भी नहीं मिला है, इसलिए वी हैव आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, वी हैव आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, मीन्स हम लोगों ने उसका अपने सभी दोस्तों से पूछ लिया, आवर नियर एंड फार ऑफ रिलेटिव्स, हमारे नज़दीक और जो दूर रहने वाले रिलेटिव्स हैं उनसे भी, वेयर जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ हिज मीटिंग अस कैन बी गेस्ट, मतलब जहाँ कि हम लोगों को गेस किया जा सकता है कि वो कहाँ मिले, मतलब कुछ संभावना होती है हमें कि वो कहाँ मिल सकता है, तो हम वहीं पर खोजते हैं, ठीक। तो इसी तरह से आप पूरा का पूरा, आप, मैं तो पूरा डैश कर दिया हूँ, ये सब में पूरा डैश है मेरा, आप देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा का पूरा, आपको पूरा सेंटेंस के आधार पे, आपका लेटर के आधार पे, ये जो लेटर है इसके आधार पे आपको पूरा का पूरा लिखना है, आपको 150 वर्ड, 100 वर्ड, 200 वर्ड, जितना वर्ड का आपका कहा जाए, वैसे मिनिमम 150 वर्ड बोलेगा और मैक्सिमम 200, लेकिन सीजीएल जब दीजिएगा तो 200 से 250 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आप लिखिए, इसको पूरा भरिए। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ शुरुआत बढ़िया कीजिए, उसके बाद यदि बीच में आप यदि कुछ मिस भी होता है तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से बनाइए, अपना लैंग्वेज यूज कीजिए, ये बिल्कुल भी यहाँ मार्क्स नहीं कटेगा आपका, प्लस यहाँ जो है इससे मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा आपका, फिर आपका यहाँ जो सब्जेक्ट है इसमें भी बिल्कुल नहीं कटेगा आपका मार्क्स, आपको बिल्कुल ये सब में मिलता है, आप मैटर क्या लिखते हैं उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्यों, क्योंकि एवरीबॉडी का थिंकिंग अलग है, इसलिए मैटर से ज़्यादा आपको डेकोरेशन क्या है ये आपके लिए मैटर करता है। फिर सर लिखे, सर के सामने कुछ नहीं लिखना है, फिर यहाँ से जो मैटर लिखिएगा आप, जो भी भरना आप अपना भरिए, उसके बाद जब आप फर्स्ट लाइन को यहाँ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब सेकंड लाइन स्टार्ट होगा वो बिल्कुल लाइन के हिसाब से होगा, जहाँ सर लिखें उसी के नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दूसरा तीसरा चौथा जितना भी लाइन आपका हो वहाँ से सब स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ भी फुल स्टॉप करते हैं, जहाँ भी आप फुल स्टॉप करते हैं उसके बाद जो पैराग्राफ चेंज हो जाता है, पैराग्राफ जब चेंज होगा तो एक स्पेस, देखिए एक बॉक्स मैंने छोड़ रखा है, तो एक स्पेस आपको क्या करना है, छोड़ देना है, देखिए मैंने छोड़ रखा है, ब्लैक कर दिया इसे, तो एक स्पेस छोड़ देना है, फिर जब फुल स्टॉप यहाँ था उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के हमने, फिर मीन्स एक बॉक्स छोड़ने का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या किए, एक टैब का यूज़ किए और उसके बाद आप नेक्स्ट बॉक्स से स्टार्ट किए बनाना, तो इस तरह बनाइए, आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद आप जितना भी भरना है, जैसे मैंने डैश यहाँ पे कर रखा है इतना, तो आप इस सबके जगह जितना भरना आप भरिए, उसके बाद फिर अंत कैसे करना है, तो अंत का मैं बता देता हूँ, देखिए उसके बाद क्या करना है, जब आप लेटर को लिख लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में आप जो भी लिखना चाहें आप लिखिए, तो जैसे मैंने लास्ट में थोड़ा सा 2 सेंटेंस लिखा है कि देखिए, इन दिस सोरोफुल स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब ऐसी दुखद स्थिति में आई अप्रोच योर गुड सेल्फ टू हेल्प फाइंड हिम आउट एट द अर्लीएस्ट, मीन्स मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी मेरे उसे, मतलब मेरे छोटे भाई को खोजने में मदद करें। फॉर विच वी विल ऑलवेज बी ऑब्लिग टू यू, जिसके लिए हम हमेशा आपका आभारी रहेंगे, ओके। फिर यहाँ लिखना है आपका थैंकिंग यू, याद रखिएगा जब भी थैंकिंग यू लिखिएगा तो बिल्कुल और बिल्कुल एक बॉक्स, ये जो है एक लाइन का पूरा जो बॉक्स है ये बिल्कुल आपको छोड़ के नेक्स्ट में लिखना है, उसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट में लिखना है बिल्कुल थैंकिंग यू ही लिखना है। थैंकिंग यू लिखने के बाद आप वो इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखिएगा, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हूं मैं, उसके बाद जस्ट उसके नेक्स्ट लाइन में आप राइट साइड के नीचे योर्स फेथफुल्ली जो भी नाम हो आपका वो दे दें, या फिर
आपके यदि कहा जाए कि आप ये हैं, मींस यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि आप राजू हैं, आप ये हैं, आप सोनू हैं, आप मोनू हैं, जो भी नाम कहा जाए वो नाम आप यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपका लेटर खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।